तुम गिलास किस तरह रख रहे हो? तुम्हें गिलास रखने नहीं आते? किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें मेज किस तरह सजाते? पता नहीं किसने कहा। मैम आप तो मुझे हर बात पे डांटे जा रही हैं। यकीन करो तुम इससे अच्छी मेज सेट कर सकते थे अगर तुम्हें किसी ने सिखाया होता। एमन, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं करने दो उन्हें। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है तुम्हें उन्हें। उनका रोज का काम है, उन्हें पता है। इन लोगों ने बहुत देर लगा दी है, शादी की तकरीब शुरू होने वाली है। नेमत, देखो पापा अकेले खड़े हैं, चलो चल के रिसीव करो मेहमानों को उनके साथ। आई थिंक इतना कोई खास इशू नहीं है, ऐसा करो तुम खड़े हो जाओ उनके साथ। मुनस्सा, अभी भी सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। मैं कुछ नहीं कर सकती सवेरा, तुम देख नहीं रही सब इंतजाम हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, बहुत देर हो गई है। साथ कहाँ है? मुझे क्या पता, होगा ये कहीं बाहर। हैरत है, अभी तक उसके बारे में सोचती हो तुम। यही होगा वो, उस बीना के साथ ही होगा वो। तुम भी तो पागल हो ना मुनस्सा, क्या जरूरत है बीना को बुलाने की? और प्लीज साथ का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, अंकल का ही सोच रहे तुम कम अज कम। क्या करूं मैं, हो गई बस गलती मुझसे, अंकल का ख्याल ही नहीं आया उस वक्त मुझे, शायद आए ना हो वो यहाँ। मुझे नहीं पता, बीना का नहीं सोचती मैं। अब ये सब तो साथ को देखना चाहिए ना, मैं क्या करूं? हर चीज इतनी अजीब लग रही है, ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए। खुशामदीद। बैठिए। खुशामदीद। आए, बैठिए। खुशामदीद। नेमत कहाँ है बेटा? यहीं कहीं होंगे पापा। क्या मतलब है तुम्हारा यहीं कहीं का? बुला के लाओ उसे जल्दी, उसे यहाँ होना चाहिए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तशरीफ आ रहे। वेलकम बाबा, मैं नेमत को देखकर आई थी। जाओ देखो। वेलकम वेलकम। नेमत, बाबा बुला रहे तुम्हें, अकेले खड़े हैं वहां, बुरा लगता है। कैसी हैं आप? आए बैठ। कहां रह गए थे तुम? मैं अकेला खड़ा रहूंगा क्या यहां? अगर मैं उसके बाप जैसा हूं तो तुम उसके भाई हो। आ गया हूं बाबा, ठीक है। ओ दिलदार भाई, कैसे हैं आप? सुनो, हर जगह ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें, अकेले कैसे ये संभालू मैं? ठीक है बाबा, मैं आता हूं थोड़ी देर। ना तुम कोई इंटरेस्ट ले रहे हो ना साथ। शाइस्ता कह के गई थी कि आ रही हूं मैं, आई नहीं वो भी। उसे भी कॉल करके पूछो कहाँ है। बाबा आप परेशान मत हो, यहीं कहीं होगी।
अच्छा खड़े क्यों? आओ मेरे साथ जल्दी आओ, अकेला मत छोड़ो मुझे। चलो मुनस्सा, अब तो वक्त नहीं रहा सोचने का, चलो इंतजार कर रहे होंगे सब। सवेरा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो लेकिन तुम उस तकलीफ के सामने बेबस हो? यही हो रहा है मुनस्सा, अब वक्त नहीं है ये बातें करने का। अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती तो मैं यहां ना होती, लेकिन मैंने कभी नहीं सुनी। और तुम्हें कहती थी कि अकल से सोचो दिल से नहीं, अब मैं क्या कहूं? मैं तुम्हारी जगह तो नहीं सोच सकती ना, और वैसे भी अब मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। अफसोस ना करो मुझ पे। साथ बात सुनो, कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, कहां थे तुम? चलो आओ जल्दी आ जाओ, देर हो गई है, आ जाओ। चलो क्या सोच रहे हो तुम? पापा मुझे एक जरूरी काम से जाना। जरूरी काम? इससे ज्यादा क्या जरूरी है? चलो आओ जल्दी, चलो। साथ तुम कभी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो, तुम्हारी कजन की शादी हो रही। चलो आओ, शाबाश, चलो। मैं खुशकिस्मत हूं बहुत। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हो बेटा तुम। तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? सेलिब्रेट करो इस खुशी को बेटा, अब हम सब एक फैमिली हैं। मैं मुनस्सा से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। आप आराम से बात कर रहे हैं मदन अंकल। मुनस्सा, मैं बाहर वेट कर रहा हूं तुम्हारा। काश कि तुम्हारा बाप भी आज तुम्हारी इस खुशी में तुम्हारे साथ होता बेटा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन हम कितने बदनसीब हैं, मैंने भी तुम्हें पास बुलाने में बहुत देर कर दी। अंकल, मैं बहुत दूर तो नहीं जा रही ना कहीं, मैं आती रहूंगी आपके पास, इतना के तंग हो जाएंगे आप। ये तो नहीं हो सकता, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। साद और नेमत मेरे लिए जैसे हैं वैसे ही तुम हो बेटा। जानती हूँ मैं अंकल, पापा के बाद जैसे आपने ख्याल रखा मेरा, उसका बदला सारी जिंदगी नहीं उतार सकती मैं। और इस पे शुक्रिया के अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकती आपको अंकल। असल में तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए बेटा, तुमने मुझे एक मौका दिया ताकि मैं अच्छा बाप बन सकूं। अच्छा भाई तो नहीं बन सका, मगर आज के बाद भी मुझे अपना अंकल नहीं अपना बाप ही समझना। अंकल, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिएगा मुझे। हाँ ये तो है, इतनी जल्दी छोड़ के जो जा रही हो मुझे। अंकल, अगर आपने चाहते थे शादी में। नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूँ। हलील अच्छा आदमी है, उसने वादा किया है
कि वो तुम्हारी तालीम मुकम्मल करवाएगा और ये वादा मुझसे भी करो तुम। जी जरूर। जिंदगी में तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो किसी की मोहताज नहीं होगी। तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे हिस्से की रकम मौजूद है। ये कोई एहसान नहीं है, ये तो तुम्हारा वो हिस्सा है जो तुम्हारा हक था। किसी से कुछ मांगने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। अगर तुम्हारा शौहर अपनी खुशी से कुछ करता है तो अलग बात है, लेकिन तुम अपना बोझ खुद उठा सकती हो। अंकल, मैंने ये सब कुछ आपसे नहीं मांगा कभी। जानता हूँ मैं, कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बहुत शुक्रिया अंकल। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे बेटा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे बेटा। नेमत बेटा, तुम लोग दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे किसी काम में? हुआ क्या आखिर, बताओ तो मुझे, क्या मसला है? देखो निकाह का वक्त हो चुका है, हलील को जाके कहो मुनज़्ज़ा को नीचे ले आए। हर चीज बतानी क्यों पड़ रही है? साथ का भी नहीं है कुछ अता पता। जाओ जाके बुला के लाओ उसे। जाओ बाबा उस्मान से मिले, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त है। खुशी हुई आपसे। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बहुत आपका। बैठिए। दरवाजा खुला है, आ जाए। क्यों आई हो तुम यहाँ? मरहबा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेरा मजाक उड़ाने आई हो ना, बीना ने भेजा होगा। उसने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। बात सुनो, ना ही साथ और ना ही बीना के मुतालिक बात करनी है मुझे। मुझे कुछ नहीं सुनना, इसलिए तुम जा सकती हो यहाँ से। मैं तो तुम्हें कुछ बताने आई थी, लेकिन तुम्हें ना खुश करने नहीं। मेरी खुशी से तुम्हें क्या ताल्लुक है? मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकती हो यहाँ से। मैं तुमसे यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारे और साथ के लिए आई हूँ यहाँ। जानती हूँ कि बीना मेरी दोस्त है, यानी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन अब मैं ये तमाशा नहीं देख सकती और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सच पता हो, तुम चारों की जिंदगियों के लिए। ओके कहो। ये साथ को तुमसे अलग करने का मंसूबा था। क्या मतलब? बीना और हलील का। हलील भी? हाँ, यानी ये सारा सब कुछ एक ड्रामा रचाया गया था तुम्हें दिखाने के लिए कि बीना और साथ एक साथ रह रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ उस दिन कुछ ज्यादा ही डिप्रेस था, जिस दिन बीना ने उसको फोन करके अपने पास बुलाया और फिर उसको नींद की गोली देके सुला दिया, फिर तुम्हें कॉल करके बुला लिया ताकि तुम साथ को उसके साथ देख लो। मैं कैसे यकीन करूं? देखो, साथ से मैं बहुत नाराज थी, लेकिन जब वो तुमसे मिला, उसने बीना को अपने आप से दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन बीना ही उसका पीछा नहीं छोड़ी। तो ये सब अब मुझे क्यों बता रही हो तुम? क्योंकि अब मैं उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। और अगर तुम हलील से मोहब्बत करती हो तो उससे शादी कर लो, लेकिन अगर साथ से मोहब्बत है, मेरा ख्याल था कि तुम्हें तमाम सच्चाई मालूम होने का हक होना चाहिए, और है भी।
मैंने कहा भी था तुम्हें कि मैं बहुत जल्दी दे दूंगा तुम्हें वो पैसे। बस आज के दिन सब्र कर लो यार। मैं कह रहा हूँ ना कि आज के बाद पैसों का कभी मसला नहीं होगा, मुझे जाने दो, आज शादी है मेरी। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, प्लान पूरा नहीं हुआ ना। मरने वाले हो तो दामाद साहब, अच्छा नहीं लगता मुझे यूं मारना दुश्मन को, मगर क्या करूं। शादी नहीं कर सकती, फौरन चलो मेरे साथ। मैं उस आदमी से शादी नहीं करने दूंगा तुम्हें, तुम सिर्फ मेरी हो, प्यार करता हूं तुमसे। यह बात आखिर क्यों नहीं तुम्हें समझ आती मुनज़्ज़ा? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। ठीक है, मुझे मोहब्बत है तुमसे, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। अगर तुम नहीं हुए मेरे साथ तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। चलो फौरन। लेकिन कहाँ? बताना जरूरी है क्या? क्या कर रहे हो? साथ अंदाजा है तुम्हें? हट जाए रास्ते से भाई। मुनज़्ज़ा कहाँ जा रही हो तुम इसके साथ? निमत आप तो समझे ना, मैं अली से शादी नहीं करना चाहती। तो मत करो शादी, मगर इसके साथ कहाँ जा? मैंने कहा ना हट जाए रास्ते से भाई, मुनज़्ज़ा की जिंदगी तबाह करने का हक नहीं दे सकता आपको। इसकी जिंदगी मैंने नहीं तुमने तबाह की है, तुम आज भी अपने बारे में सोच रहे हो। कुछ अंदाजा है तुम्हें क्या होगा इसके साथ? और जो कुछ आपने किया है उसका हिसाब कौन देगा? भाभी की जिंदगी बर्बाद हो गई आपकी वजह से, वो और मुनज़्ज़ा हमेशा लड़ती रही है। बकवास बंद करो आप, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये कजन है तुम्हारी। ये आपकी भी कजन है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया आपको, अभी तक का तो ख्याल नहीं है। छोड़े नेमा साथ। बहुत हो चुका, प्यार करते हम दोनों और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नेमत बात सुनो मेरी, जाने दो इन दोनों को, ये दोनों मोहब्बत करते नहीं रह सकते अलग। तो तुम भी जाओ उनके साथ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है दुल्हन भी गायब है साथ के साथ, आज इस बेचारे की शादी। अगर कुछ रहा भी तो इसमें इस बेचारे का क्या कसूर था? या अल्लाह बेचारे पे रहम करे। ये क्या हो गया नेमत बेटा, क्या होगा अगर इसे कुछ हो गया तो? बाबा टेंशन मत ले, वो ठीक हो जाएगा बहुत जल्द, आप बुरा मत सोचें। मेरा ख्याल है थोड़ी देर आप यहाँ रुक जाएं, उसके बाद घर चले जाएं तो ज्यादा बेहतर। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा को तो देख के आओ कोई, ऐसा ना हो कि वो सुन के बेहोश हो गई, उसे जाके देखो तो सही कोई। ये साथ कहाँ है? साथ तुम्हें कुछ बता के गया ना? मैं
साद और मुनस्सा का पूछ रहे हैं बाबा, जवाब क्यों नहीं दे रहे नेमत? वो ठीक है, परेशान मत हो बाबा। कैसे परेशान ना हूं मैं शाइस्ता, मुनस्सा को जाके जरा देखो तुम बेटा। तुम एक सेकंड के लिए मेरे साथ आओ। क्या चाहती हो तुम? हाँ, तकलीफ दे रहे हो तुम मुझे। बाबा को साद और मुनस्सा के बारे में तुम कुछ नहीं बता रही, आई समझ। और अगर बता दूं मैं उन्हें तो क्या करोगे तुम? अब भी कुछ बचा है जो बताया जा सके? बाबा के लिए ये अच्छा नहीं है, वो वैसे ही बहुत परेशान है और परेशान नहीं करोगे तुम, समझ गई? साथ में जो भी किया ठीक किया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है। गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी। ओ वाकई, फिर से कहना। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी तो क्या हो जाएगा? सबने देखा है उन्हें, ये कोई ऐसी बात है जो बाबा से छुपी रहेगी? मैं ठीक कर लूंगा ये सब, घर ले आऊंगा उन्हें वापस। तो इस वक्त कहां जाना पसंद करोगे? हम लोग इस वक्त कहीं पे भी जा सकते हैं मनीषा। साथ हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? ऑफ कोर्स ठीक किया हमने। इतना ज्यादा मत सोचो तुम इस पे, ठीक है? लेकिन नेमत और अंकल, अगर उन्हें मेरी वजह से कुछ हो गया तो कभी माफ नहीं कर सकूंगी मैं खुद को। जितना भी उन्होंने मेरे लिए किया, कोई भी अपना नहीं करता। मुनस्सा, वहां सब लोग ठीक है, ओके? जाहिर उन सबको ऐसी उम्मीद नहीं थी हमसे कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तुम फिक्र ना करो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, ओके? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ यकीन है मुझे। मुनस्सा वापस आएगी घर, मैं जानता हूं उसे, जरूर ढूंढ लूंगा मैं उन्हें। बस तुम अपना मुंह बंद रखना। अहमद, तुम बच नहीं सकते मुझसे साथ। बाबा, तुम यहां खड़े अपनी बीवी से क्या बातें कर रहे हो? हलील को एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके गई, चलो हम भी चलते चलते। बाबा वो ड्राइवर कहां है आपका? उसके साथ चले जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे एक बहुत जरूरी काम है बाबा। ये कौन सा वक्त है किसी और काम के बारे में सोचने का? हलील को हमारी जरूरत है, वो हॉस्पिटल में है, काम बाद में करना, चलो। शाइस्ता ने मुनस्सा का बताया तुम्हें कि कहाँ है वो? बाबा वो अपनी दोस्त के साथ है, परेशान मत हो। जो कुछ हुआ उसके बाद डर गई थी बहुत, कुछ देर में घर ले आऊंगा मैं उसे। चलो फिर जल्दी चलो। ले चलो। शाइस्ता, हॉस्पिटल ले चलो। चलो चलते हैं। क्या हुआ, ये सब इतनी जल्दी खत्म हो गया? मुझे माफ करना, मेरा मतलब है ये सब इतनी जल्दी क्यों जा रहे? ये पार्टी तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। उसे चलो ना, जल्दी चलते हैं, हमें मिस नहीं करना चाहिए। शादी का न्यू कपल तो देख ले हम लोग, अब तो हम मुनस्सा के रिश्तेदार हो जाएंगे। मिस कर दिया, साथ का चेहरा देखना था मुझको। जब हलील लेके जा रहा था मुनस्सा को तो साथ का चेहरा कैसा हो रहा था? तुमने कोई फोटोग्राफ ली उस वक्त? क्या बोले जा रही हो बीना, शादी कैंसिल हो गई। क्या, कैसे? हलील पे हमला हुआ है। हाँ?
हाँ, और मुनज़्ज़ा साथ के साथ चली गई। भाग गए मुनज़्ज़ा साथ के साथ? ये तुम क्या कह रही हो फ़ाइज़ा, तुम्हें कुछ पता भी है? काश के मुनज़्ज़ा को देख लेता मैं एक बार। क्या हो गया ये? देखना तुम, अल्लाह बदला लेगा हलील को इंशाल्लाह। कोई कानून नहीं है इस मुल्क में। मैं साथ को कॉल कर लेता हूं, उसे होना चाहिए मुनज़्ज़ा के पास। पता नहीं हमें कितनी देर हो जाए। बाबा थोड़ी देर रुक जाएं आप, जो काम इंपॉर्टेंट है पहले वो कर लेते हैं हम, हलील को देख लें। ठीक है। मैं आता हूं एक मिनट। अहमद, मुनज़्ज़ा की शादी हो रही है और उन्होंने हमें बुलाया भी नहीं है। क्या खानदान है तुम्हारा, बहुत अच्छे थे नहीं? क्या ऐसे होते हैं रिश्तेदार, पूरी दुनिया को शादी पे बुला दिया लेकिन हमें नहीं बुलाया। तहनियत तुम ऐसा क्यों कह रही? तुम्हारी इत्तला के लिए उन्होंने हमें भी बुलाया था, मगर ऐसी हालत में तुम वहाँ कैसे जाती? हाँ, और क्या कह रही हूँ मैं आपसे इतनी देर से, अगर वो बुलाना चाहते तो गाड़ी भेज देते, हम चले जाते। लेकिन हकीकत ये, उन्होंने भी शुक्र अदा किया कि हम नहीं जा सकते, समझ आई? लेकिन मुझे अपनी बहन से कोई शिकवा नहीं है, ये सारा कुछ नेमत और अंकल की वजह से है। तहनियत, तुम्हें अपनी बहन से नाराज होना भी नहीं चाहिए, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं उस शादी में अकेले कभी भी नहीं जाता जब तक वो लोग मेरे रिश्तेदारों को नहीं बुलाते। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है माशरे में तहनियत, इस तरह बिन बुलाए थोड़ी चले जाते कहीं। क्यों रुके हैं हम यहाँ? तुम ठीक नहीं हो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। रो मत शायस्ता। अब मैं क्या करूं उस्मान? मैं अपने घर नहीं जा सकती, अब कुछ नहीं बचा, मैं खुद, मेरी जिंदगी, कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं जी सकूं अब। और मेरा कसूर ये है कि उसके दिल में नहीं रहती अब। वो सब के लिए तुम कसूरवार नहीं हो, मुझे नेमत का रवैया कुछ तलखा था। वो कैसे तुमसे इस तरह से बात कर सकता है? अगर वो तुम्हें छोड़ना ही चाहता है तो उसे चाहिए कि तुम्हें एक ही दफ़ा बता दे, उसे चाहिए कि तुम्हारी कुछ तो इज्जत रखे। वो इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे कोई 5 साल का बच्चा। क्या नेमत को इस चीज़ का गुस्सा था कि साथ मुनज़्ज़ा को लेकर भाग गया? मुझे ऐसा लगा जैसे नेमत साथ से कुछ जेलस था, या वो इंटरेस्टेड था मुनज़्ज़ा में। एहतियात से बात करो उस्मान, वो जैसा भी है शौहर है मेरा। क्या तुमने सुना नहीं था जो साथ ने कहा? और जो कुछ आपने किया है उसका हिसाब कौन देगा?
भाभी की जिंदगी बर्बाद हो गई आप की वजह से। वो और मुनज़्ज़ा हमेशा लड़ती रही है। तो बकवास बंद करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये कजन है तुम्हारी। ये आपकी भी कजन है लेकिन ये किसी ने नहीं बताया आपको। भाभी तक का तो ख्याल नहीं है। घर जाना चाहती हूँ मैं। शाइस्ता, उसे कोई हक नहीं है कि वो तुम्हारा दिल दुखाए। अगर तुम चाहो तो हेलो अम्मी। अरे शाइस्ता बेटा, आखिर कहाँ गायब हो तुम? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। मैं जानती हूँ कि शादी के इंतजाम की वजह से तुम बहुत बिजी हो, मगर एक बार तो फोन कर सकती थी ना मुझे तुम। अम्मी जान, आप उनसे शादी के मुतालिक कोई बात नहीं कीजिएगा, ठीक है? अगर उन्होंने हमें बुलाना होता तो पहले ही गाड़ी भेज देते। इस तरह थोड़ी होता है भाई। तहनियत कैसी है? बेबी कैसा है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। बच्चा और तहनियत दोनों खैरियत से हैं। बच्चा बहुत प्यारा है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ शादी कैसी रही? बिल आखिर उनकी शादी हो ही गई है, अब तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। अम्मी इस वक्त कुछ नहीं बता सकती मैं। हलील साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो शादी नहीं हो सकी। क्या क्या कहा? अरे ये क्या हो गया? क्या कोई सदमा हो गया उसे? हलील साहब हॉस्पिटल में है। क्या वाकई इसकी इतनी बुरी हालत है? मेरी बात सुनो, मुझे यकीन है कि लड़की से मारना चाहते। क्या हुआ? बात सुनो मेरी शाइस्ता, वाकई मुझे तो ये लग रहा है लड़की इसके लिए अच्छी साबित नहीं हो रही है। आज शादी का दिन है और वो हॉस्पिटल जा पहुंचा है। अम्मी मुझे भी तो बताएं आखिर हुआ क्या है। हाँ बेटा। अम्मी बाद में बात करते हैं, आपसे अभी जाना है मुझे। एक मिनट रुको बेटा, मेरी बात सुनो। शाइस्ता मेरी बात तो सुनो, मुझे तफसील से बताओ कि हुआ क्या था। फोन बंद कर रही हूँ मैं। फोन बंद कर दिया? शादी कैंसिल हो गई मुनज़्ज़ा की। रियली? तुम गाड़ी से उतर कर उस वक्त किसे देखने गए थे? मुझे लगा मेरा दोस्त है उसे देखने गए। मिस्टर निम्मत आप ही है ना जी? कुछ बताएंगे कि हलील को किसने जख्मी किया? किसी पे शक है? ये हमारा फैमिली बैठा है पीछे। चले बाबा अंदर चले। एक मिनट बात तो सुनिए, कोई दुश्मनी तो नहीं उनकी? तौबा अस्तगफिर, अब हमारे घरों की खबरें अखबारों में भी आएंगी। जी फरमाइए। जी यहाँ एक पेशेंट आए हैं इमरजेंसी में थोड़ी देर पहले। हली उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं देखता हूँ। ये वही पेशेंट हैं जो अब से कुछ देर पहले इमरजेंसी में आए? जी हाँ। आपको पुलिस से बात करनी होगी, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। बात सुनिएगा। एक्सक्यूज मी।